हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा महेंद्रगढ़ के उन्हानी गांव के पास हुआ, जहां बच्चों को स्कूल में ले जा रही स्कूल वैन पलट गई। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया। हादसा कैसे हुआ, इसकी जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 40 बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार ईद की सरकारी छुट्टी के बावजूद महेंद्रगढ़ का जीएल पब्लिक स्कूल आज खुला था। बच्चे स्कूल बस में सवार होकर स्कूल जा रहे थे, जैसे ही बस उन्हानी गांव पहुंची तो पलट गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ 6 बच्चों की मौत की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और बच्चों के माता पिता भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उपचार प्राथमिकता है और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। काफ़ी बच्चे थे और स्कूल में कुछ आधा डेथ भी हुई है, नुकसान हुआ। आप मौके पर मौजूद थे? हाँ, यहीं सभी थे। यूरो स्कूल की बचाव की वजह से काफ़ी बचाव हो गया। सभी ड्राइवर लोग यहीं देख रहे थे, तो सब काफ़ी बाकी अभी सब ठीक बताया जा रहा है। बाकी आपने देखा हो बस कितनी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में बस थी और कोई भी नहीं था, एकदम से पेड़ के टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है? हाँ, इस साइड फिर एकदम से काफ़ी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस हो गया। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोन डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को आम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल हैं सभी बच्चों। कौन से स्कूल की बस थी? जीएल स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने बच सकते प्रयास किया। 5 कैजुअल्टी 4 ब्रोन डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ट्रेन के बेस था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए।